चलिए आप आइए हमारे साथ कॉफी पीजिए, आइए आइए। अरे भाई मेरे को कोई बात नहीं, काम बाद में कर लेना। कपड़ा बर्तन सब धोने के भाई, तू तो आ। मुझे भी काम है। उतरे उतरे उतरे। क्या बात है, कोई तो आ मेरे साथ कॉफी पी। तो अगर आप भी बॉलीवुड के जबरे वाले फैन हैं, तो अभी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मूवीज देखने के शौकीन हैं, तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहां हमें डीएम में यूट्यूब लिखिए, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज वेट कर रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे और हाजिर हूं मैं आप सबके लिए आरजे ट्रेंड्स का नया एपिसोड लेकर। तो सिम्बा ये वाला नहीं, ये वाला बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही ज्यादा धमाकेदार कमाई कर रहा है। इस फिल्म ने अब तक 210 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और ये फिल्म रोहित शेट्टी की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है। तो सिम्बा अभी सिनेमाघरों से निकला तक नहीं कि रणवीर सिंह की एक और नई फिल्म गली बॉय का ट्रेलर आ चुका है, तो उस फिल्म की छोटी सी झलक देख लेते हैं। सफीना, तुम्हें कुकिंग आती है? नहीं, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा एक दिन मैं आपका लिवर ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ। मर जाएगा तू। इस फिल्म का ट्रेलर बहुत ही गांव है और ये लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है, तो तैयार रहिए रणवीर सिंह की एक और एक हिट फिल्म देखने के लिए। तो अगली न्यूज है दबंग 3 की। तो सारे ह्यूमर्स के बाद अब एक कंफर्म न्यूज आ चुकी है कि दबंग 3 की शूटिंग अप्रैल 2019 से शुरू हो जाएगी और इस फिल्म के डायरेक्टर प्रभु देवा होंगे। आपको याद दिला दें कि पिछली बार जब प्रभु देवा और सलमान खान दोनों ने साथ में वांटेड फिल्म में काम किया था और वहीं से सलमान खान की हिट फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ था, तो सलमान खान के फैंस तैयार रहिए दबंग 3 के लिए। तो अगली न्यूज़ यह है कि वरुण धवन ने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें वो बैक फ्लिप करते हुए दिखाई दे रहे थे। उस पोस्ट के नीचे टाइगर श्रॉफ ने कमेंट में लिखा कि भाई हमारी पेट पे क्यों लात मार रहे हो। दरअसल बात यह है कि टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के इकलौते ऐसे अभिनेता हैं जो ये स्टंट्स, बैक फ्लिप हो गई, ये वगैरह ये सब करने में माहिर हैं, और अब यही स्टंट्स वरुण धवन ने भी करके दिखा दिए, तो इसलिए उन्होंने मजाक में नीचे ये कमेंट में लिखा था। तो अगली न्यूज है हार्दिक पंड्या और केआर राहुल के बारे में। हार्दिक पंड्या ने जो शर्मनाक हरकत की है कॉफी विद करण में, उसके ऊपर बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया है कि वो हार्दिक पंड्या पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ बीसीसीआई से और पूरा अगेंस्ट हूँ हार्दिक पंड्या से। आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिए और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे